गांव वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय अंजोरा में अपनी 7 सूत्रीय मांग को लेकर काम बंद हड़ताल पर आमरण अनशन में बैठे कर्मचारी। 7 सूत्रीय मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे कर्मचारी बीओ समस्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के द्वारा छत्तीसगढ़ लघु वेतन शासकीय चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ तुर्क के बैनर तले अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल कर अपनी आवाज बुलंद कर प्रदेश की सरकार से गुहार लगा रहे थे। वहीं अब इस दिशा में कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलने से दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी आमरण अनशन पर बैठ आंदोलन कर रहे हैं। और तलब है कि विश्वविद्यालय में कार्यरत 151 दैनिक वेतन भोगी कार्य करते हैं, जो कि 2013 से 2020 तक न्यूनतम वेतन से कम वेतन प्रदान किया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ शासन न्यूनतम वेतन अधिनियम का उल्लंघन है। इस संबंध में सहायक श्रम आयुक्त एवं मुख्यमंत्री निवास द्वारा वेतन कटौती को नियम विरुद्ध मानते हुए वेतन कटौती की 125 करोड़ की राशि वापस करने हेतु आदेशित किया गया, लेकिन 1 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद भी वेतन कटौती की राशि एरियर्स के रूप में भुगतान नहीं की गई है। साथ ही अन्य मांगों के संबंध में संतोषजनक कार्रवाई नहीं किए जाने से आक्रोशित कर्मचारियों ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों के संबंध में काम बंद एवं हड़ताल कर अपनी आवाज सरकार तक पहुँचाने की कोशिश की। अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है और हम 5 दिन हो गया प्रशासन की तरफ से है ना, प्रशासन की तरफ से तहसीलदार आए थे, बोले कि एसडीएम से बात कर लो कर। कब एसडीएम कल हुआ था? कितने बजे? कल करीब 3 बजे। 3 बजे तो हम लोग एसडीएम से मिलने गए थे। एसडीएम साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि दोनों पक्षों को एक साथ बैठा के मैं आज का टाइम दिया है, टाइम बताया नहीं है, आज का दिन बताया है, टाइम नहीं बताया है कि मैं दोनों पक्षों के साथ बैठ के फिर चर्चा करेंगे। हम ये चाहते हैं आज क्या है, हम अम्बेडकर जी का संविधान दिवस है, हम उसको नमन करते हैं और ये चाहते हैं कि मजदूरों का उनका हक मिल जाए, क्योंकि अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा है, वो संविधान पूरे भारतवर्ष में लागू हो रहा है, लेकिन हमारे बस ये कामधेनु विश्वविद्यालय में उसी संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। ना तो मुख्यमंत्री का आदेश का पालन हो रहा है, ना श्रमायुक्त के आदेश का पालन हो रहा है, ना कलेक्टर के आदेश का पालन हो रहा है। इन सभी के आदेशों को दरकिनार करके और विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी तानाशाही रवैया अपना रहा है। ट्रेंड सीन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।